वो वहाँ पे जो आदमी बैठता है उसका हाथ में 23 mm डबल बैरल गन होता है, पीछे से कोई अटैक करता है तो सेफ्टी के लिए एक आदमी बैठता है, उसका हाथ में जो गन है उसमें मतलब तो 1 मिनट में 1200 राउंड गोली निकलता है, 1200 राउंड गोली निकलता है। নমস্কার, আপনারা দেখছেন news18bangla.com আর আপনাদের সঙ্গে আমি শালমিলি। পূজোর পর থেকেই যেই প্ল্যানিংটা আমাদের সকলের মাথায় ঘোরে সেটা হলো শীতকালে কোথায় যাব। চিড়িয়াখানা, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম তো প্রত্যেক বছরই যাই, এবার যদি অন্য কোথাও যাওয়া যায়, এক্স্যাক্টলি এটা আমার মাথায়ও ঘুরছিল, তাই খুঁজে খুঁজে বার করলাম এই জায়গাটা। বলুন তো কোথায় আছি আজকে আমি? ইউজুয়ালি আমরা মিউজিয়াম বলতে যেটা বুঝি, এখানে কিন্তু সেটা একেবারেই নয়। বড় বড় বাড়ি, তার মধ্যে প্রচুর ছবি, প্রচুর তথ্য, এখানে কিন্তু সেটা দেখতে পাবেন না। খোলা আকাশ, আর সেখানে রাখা আছে একটা মাত্র ফাইটার প্লেন। শুধুমাত্র কিন্তু ফাইটার প্লেনই নয়, এখানে মিলিটারি ক্যাম্পেরও কিছু কিছু জিনিস আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তার আগে কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়ে রাখি, কিভাবে আসবেন এখানে। ইকো পার্কের খুব কাছে এই জায়গাটা, নিউ টাউন পুলিশ স্টেশনের একদম পাশেই। এখানে টাইমিংটা কি, ইউজুয়াল টাইমিং হচ্ছে সকাল 11:30 থেকে সন্ধ্যে 7:30-7:30 অবধি, কিন্তু অবশ্যই আসার আগে একবার গুগল করে নিন বা খোঁজ নিয়ে নিন, কারণ সিজন অনুযায়ী অনেক সময় টাইমের বদল দেখা যায়। এখানে ঢুকতে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সতীশদার সাথে। সতীশদা এখানকার মেনটেন্যান্সটা দেখেন। সতীশদা, এই ফ্লাইটটা কবে আনা হয়েছে? ইয়ে এয়ারক্রাফ্ট 2020 মে ইয়াঁ পে অ্যাসেম্বল কিয়ে থে লকডাউন সে, করোনা সে পেহলে 2020 মে ইসকা ওপেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 2022 জুন মাসে এই মিউজিয়ামটা উদ্বোধন করেন, তারপর থেকে আপনি এখানেই আছেন। হ্যাঁ, আমি এখানে। কি কি স্পেশালিটি এই মিউজিয়ামটার বা এই প্লেনটার যেটা অন্য প্লেনের থেকে আলাদা? ইয়ে দেখিয়ে, ইস এয়ারক্রাফ্ট কা খাসিয়ত হ্যায়, ইয়ে অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ার ফ্লাইট হ্যায়, আর ইয়ে ইন্ডিয়ান নেভি কা হ্যায়, আর ফার্স্ট থিং ইয়ে মেড ইন রাশিয়া কা এয়ারক্রাফ্ট হ্যায়। 88 মে লায়া গিয়া থা, 1988 মে, তাকি জো সমুদ্র কে অন্দর জো সাবমেরিন হোতা হ্যায় উসকো ঢুন্ড কে ডিস্ট্রয় করনে কে লিয়ে ইসকো ইয়াহাঁ মতলব ইন্ডিয়া লানে কা মুখ্য উদ্দেশ্য থা। सर, आप लोग अभी जहाँ जिसमें जहाँ पे खड़े हैं, जिस पोजीशन में, मतलब जिस पोजीशन में हैं, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट नंबर 8। टेक्निकल कंपार्टमेंट है ये, नंबर 8 है। अच्छा। और फर्स्ट थिंग, ये जो एयरक्राफ्ट जो रास्ता बना हुआ है, जिस दरवाजे से पब्लिक एंट्री कर रहा है, जो जिससे आप लोग आए हैं, ये सब लाइव एयरक्राफ्ट में होता नहीं है। अच्छा। जब ये फ्लाइंग टाइम में था, ऐसा रास्ता होता नहीं है इसमें, ये सब कंपार्टमेंट क्लोज होता है। अच्छा। ये पब्लिक के लिए हम ये रास्ता बनाए हैं, जब कम देखते पड़े भुरे। हाँ, अंदर जाके कॉकपिट तक एक रास्ता बनाए हैं पब्लिक के लिए, और इसमें कंपार्टमेंट में आना है तो हर दरवाजा नीचे से होता है। अच्छा। जैसा कि अभी हम खड़े हैं, इस कंपार्टमेंट का दरवाजा हमारा नीचे है। अच्छा। यहीं से नीचे? हाँ, नीचे हमारा नीचे है, यहीं से अंदर जो भी टेक्निकल इश्यू होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहीं से आदमी अंदर घुसता है। ये जो ग्लास एरिया जो दिख रहा है आपको, इसका अंदर रडार होता है, रडार होता है, इसका अंदर रडार होता है। जो नीचे आपको जो व्हाइट कलर का जो डूम दिख रहा है, वही है, वही एरिया है, वही, इसी का अंदर रडार होता है। ये टेक्निकल कंपार्टमेंट नंबर 4 है, जहाँ पे अब एंट्री किए हम। कितना कंपार्टमेंट है टोटल? 8 कंपार्टमेंट।
हम लोग जहाँ एंट्री किए वो यही थे, और ये चार है, ये पूरा बैटरी इक्विपमेंट्स वगैरह सब इसी में रहता है। और ये है मदर यूनिट, टर्बो कूलर का मदर यूनिट ये है, जनरेटर भी यहीं पे रहता है, टर्बो जनरेटर जिसको बोलते हैं यहीं पे होता है, इसका अंदर जो है टर्बो जनरेटर है, ये मदर यूनिट है टर्बो कूलर का। आप देख सकते हैं वो बाहर से कनेक्टेड है, बॉडी आउटसाइड से कनेक्टेड है, इनलेट एक है आउटलेट एक है, रिसर्किल करना पड़ता है ना हवा को। और ये है कॉकपिट, ये जहाँ एंट्री कर रहे हैं ये कॉकपिट है जिसमें कि 9 आदमी बैठते हैं। 9 आदमी बैठते हैं, हाँ। ये है सीनियर नेविगेटर, टैको ऑपरेटर, ये आरजीबी वन और आरजीबी टू का पोजीशन यहाँ पे होता है जहाँ पे दरवाजा बना है। तो इस फ्लाइट का दरवाजा कहाँ होता है? ये खड़े हैं आप, जिस पे आप खड़े हैं ये मेन एंट्रेंस है, नीचे से ही आते हैं। मैं बोला ना आपको उधर कि कोई भी आना है तो नीचे से ही आते हैं। पायलट, को पायलट, फ्लाइट सिग्नलर, फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट नेविगेटर, 5 आदमी आगे बैठते हैं, 4 आदमी यहाँ बैठते हैं, एक चेयर हटाया गया है, एक आदमी बैठता है, पूरा 10 आदमी यहाँ, 5 यहाँ, 4 वहाँ पे, एक पूरा 10 आदमी इसमें इसका क्रू मेंबर्स है। আজ আমরা ঘুরে দেখলাম নিউ টাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তাই এই উইকেন্ডে আপনিও যেদিন ছুটি পাবেন চলে আসুন এবং ঘুরে দেখুন নিউ টাউনের এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আর শুধুমাত্র নতুন নতুন জায়গা নয়, বিনোদন থেকে খেলাধুলা, ব্যবসা থেকে রাজনীতি, সব কিছুর খবর পেতে চোখ রাখুন news18bangla.com এ।